रामगढ़ जिले का कुजू एरिया का ये तोपा खुली खदान है, ये खुली खदान कहा जाता है इसको। और यहाँ विगत एक सप्ताह 10 दिनों से आग लगी हुई है। हम अपने सहयोगी से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आग है और आग का धुआं किस तरह से निकल रहा है। बल्कि एक सप्ताह पहले और इसकी भयंकर रूप था, इसके बावजूद भी आग को बुझाने के लिए सीसीएल प्रबंधन के द्वारा कोई उपाय नहीं किया गया। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आग पर काबू नहीं होने से क्या नुकसान हो सकता है। अब देखिए कि पूरा एक कोयला ही कटा हुआ है, देख रहे हैं कोयला है, कहाँ आग का धुआं है आप देखिए। और अगर इसको समय रहते नहीं काबू में लाया जाएगा तो समझिए कि एक बहुत बड़ा संपत्ति बर्बाद होगा। और सीसीएल प्रबंधन कितना लापरवाह है आप देख सकते हैं। ये कौन सा एरिया है? तोपा एरिया है, तोपा कोलियरी है। और यहाँ आग कितना दिन से लगा हुआ है? ध्यान तो हम आज ही दिए हैं, पहले से लगा लग कुछ दिन से हो गया, एक हफ्ता लगभग। तभी जैसे अगर आग लग जाए तो कितना आपको अंदाज लगता है कितना नुकसान हो सकता है? यहाँ अगर छोड़ देगा इसी तरह, लेकिन अभी तो प्रयास है कि बुझाया जा रहा है। तो एक एरिया वहाँ खींचा गया है, बुझाने का तो कोई काम ही नहीं किया अभी तक इन लोगों ने। नहीं मतलब पहले और भयानक था, मतलब अभी तो थोड़ा नॉर्मल है। क्या नाम हुआ आपका? साजिद अंसारी जी। भाई आप अपना थोड़ा सा नाम बताओगे? क्या नाम हुआ? सामी अंसारी। ये किस जगह पर हम लोग हैं अभी? अभी तोपा कोलवेरी। ये आग कितना दिन से लगा हुआ है? यही एक सप्ताह हो गया। क्या कहेंगे अब आग लगा है तो प्रबंधन को आग बुझाना चाहिए या नहीं? बुझाना चाहिए। सोएब जी, ये आग लग जा और इतना, आपका नाम क्या हुआ? सोएब अख्तर। सोएब जी, ये आग लग जा और इतना भंडारण है, कितना संपत्ति का नुकसान होगा? ये तो पता नहीं कितना संपत्ति का नुकसान होगा, लेकिन काफ़ी संपत्ति नुकसान होगा सीसीएल का। और सीसीएल का कोयला है, काफ़ी होगा। और कई आबादी भी है यहाँ, बहुत सी आबादी है, वो लोग भी तो प्रभावित होंगे जी। इससे नुकसान होगा सारे पब्लिक को, जितना आसपास इधर गांव है सारे लोग का नुकसान होगा। बड़ा भंडारण कोयला का है यहाँ जी, ये देखा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे जितना बड़ा माइनिंग एरिया है, इसमें आग लग गया तो काफ़ी दूर तक ये आग लग सकती है। पुराने खदान जो चली हुई थी उसमें आग लगी हुई, एक जगह से आग दिख रही है। इसको हम लोग पहले सुबह से पानी से डील कर रहे हैं, जो नीचे से पानी था उसको डाइवर्ट किए हैं उसके ऊपर में। इसके अलावा मिट्टी भर करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक माइंस का जो पुराने खदान का जो ओपनिंग था वहाँ पे आग लगी हुई है, उसी को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। रात में ही अचानक ये आग फैली है, सुबह से हम लोग लग करके इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उम्मीद लग रहा है कि शाम तक कंट्रोल में हो जाएगा। सर स्थानीय लोग बता रहे थे कि एक सप्ताह 10 दिन से पूर्व से लगी हुई है सर। नहीं, जंगल में किसी हो सकता है किसी ने लगा दिया होगा आग, उसकी वजह से धुआं दे रहा था। तो हम लोगों ने ऊपर से जहाँ जहाँ धुआं मिल रहा था वहाँ वहाँ हम लोग दबा करके उसको कंट्रोल किए हुए थे। ये जो एक ओपनिंग था जो कि पूरी तरह से ओपन हो चुका था, वहीं पर ये तेज़ी से आग लगाए। अदरवाइज़ हम लोग दबा के, मिट्टी से दबा के उसके कंट्रोल कर रहे थे। सर आपका नाम बताएंगे? सर मनीष कुमार। से तोपा जो ओपन कास्ट कहा जाता है, खदान कहा जाता है। और देखिए कि कोयला का काफ़ी भंडारण भी है। हमारे सहयोगी आकाश शर्मा दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से कोयला का भंडारण है। और जहां आग लगा है उसके नीचे कई लेयर तक कोयला है। और अगर आग अगर इसी तरह से लगता चला जाए और आग पर काबू नहीं पाया जाएगा तो समझिए कि एक बड़ा भंडारण जलकर राख हो जाएगा। और जवाबदेह अधिकारी आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही देखना है कब समय इस पर क्या कार्रवाई होती है। राष्ट्र समर्पण के लिए रामगढ़ से जयंत कुमार।